मैं शेफ फैसल तांडी सुपर कुकिंग शो में त सब खरे से होंदा तां जो रोजा भी डाडा सुठा गुजारंदा होंदा हाने त मौसम भी सुठी थी वई है इते कराची में बाकी इंटीरियर जी मखे खबर ना है लेकिन रेसिपीज तमाम सुठियन जो को डालडा कुकिंग ऑयल से गडा ठाइंदा यूं छकंदा डालडा कुकिंग ऑयल हर जगह अवेलेबल है तमाम बेहतरीन कुकिंग ऑयल जहां ममता वहां डालडा आई डालडा जो बनस्पति घी जो पराठा ठाइंदा यूं मिठो ठाइंदा सो हाने इंशाल्लाह स्टार्ट कंदा सी रमजान का पो मिठा ठाइं ता सकांदम आई पराठन में खासकर जडे सहरी में असा पराठा ठाइंदा यूं तो डालडा बनस्पति घी जो इस्तेमाल कंदा क्यों जो खुशबू एडी सुठी हुंदी है बिल्कुल सच्चे घी वांगर हुंदी है उन जो डालडा कनोला कुकिंग ऑयल डालडा सनफ्लावर कुकिंग ऑयल आई एन ऑलिव ऑयल जो इन तमाम बेहतरीन है हर जगह अवेलेबल है जो अगर ऑलिव ऑयल यूज़ कंदा हो सैलड्स में यूज़ कर तो तमाम बेहतरीन इन जो अजय तो उन रूह अफ़ज़ा ज़बरदस्त ड्रिंक जो शरबत असा ठाइंदा मशरूब मशरक रूह अफ़ज़ा वह तमाम बेहतरीन हर जगह हर घर में ठहंदो है छाकाणि त रूह अफ़ज़ा के बगैर अफ़तारी बिल्कुल अधूरी होंगी है ठीक है अज जो मैं रेसिपी ठाया पे मैं ठाईंदम चणन की चाट चणन की ब चाट तक ठाई सकें ये टी चाट है तमाम मज़ेदार इनके थोड़ा भुंजे ठाइबो मसाले से गुड जिनमें टमाटर वगैरह हर शे वो भी विझबी लेकिन जो फ्राइड स्टाइल में ये ठहंदी ठीक है आलू जहा समोसा जो अस बेकरी का वही खाई वो तक ठाई सकें पे उनकी मानी कें ठहंदी उनकी कवर कें ठहंद वो तक ठाई सिखारा पे बई रेसिपीज नोट कर जो सुबह के 12 बजे रिपीट हल्द है स्क्रीन पर नंबर हल्ले पे कॉल कर पुछी सको था आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल के साथ बेहतरीन रेसिपीज जो रमज़ान में ज़रूर हमें नीड होती है खाने भी कुछ रेसिपीज़ मैंने बनाई फिर इंशाल्लाह एक दो दिन में फिर खानों पे आ जाएंगे फिर बहुत सारी रेसिपीज़ हैं ईद के हिसाब से तो डालडा कनोला कुकिंग ऑयल डालडा सनफ्लावर कुकिंग ऑयल डालडा बनस्पति घी खासकर जब हम सहरी में पराठे बनाते हैं तो डालडा बनस्पति घी का इस्तेमाल करें बहुत ही मज़ेदार इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खुशबू बहुत अच्छी आती है रूह अफ़ज़ा मशरूब मशरक रूह अफ़ज़ा जो हर घर की ज़ीनत होती है हर दस्तरखान पर खासकर रमज़ान में तो ज़रूर हम यूज़ करते हैं बहुत ही अच्छे इसकी तासीर होती है अच्छी खुशबू होती है तो रेसिपी जो आज बनेगी आलू के समोसे बनाना सिखा रहा हूँ जो हम बेकरी से जाके लेते हैं ये उसके कवर कैसे बनेगा पूरा वो मेथड आपको बताऊँगा फ्राइड ब्लैक वाले चने बना रहा हूँ ये डिफरेंट स्टाइल के पहले आपको एक बनाए थे ये थोड़े मसाले वाले इसके साथ और चीज़ें भी ऐड होंगी दोनों रेसिपीज नोट कीजिएगा सुबह 12 बजे रिपीट चलता है स्क्रीन पर नंबर चल रहा है कॉल करके पूछ सकते हैं किचन में चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं ठीक है रेसिपी स्टार्ट करना से आलू जा जे समोसा आलू जो समोसा वह कें ठा बिल्कुल ईजी है वो जो पट्टियों तक ठाण सिखारियों रोल की पट्टी हुई कीमे जहाँ समोसा चिकन जहाँ समोसा लेकिन जैसे आलू जहाँ समोसा ठादा उनकी मानी जो ठंडी है उनकी डो जो ठंडी है वह सफ़ा ईजी और अलग तरीके से ठंडी है आई उनके ये तरीके से ठाई वेले अंजर फिलिंग कभी है समोसे जो शेप डे वो सजो ताके ठाई सिखांदम ठीक है आई चणा जो मैं यूज क्या पे चणा अज मैं यूज क्या पे वो केड़ा ब्लैक वारा ठीक है कारा चणा हंजी चाट ठंडी यही चाट ता अच्छे चणन में ठाई सको ता आई डालडा कुकिंग ऑयल में असा समोसा कंदासी फ्राई आई उन सा गड ऑयल भी असा डालडा कुकिंग ऑयल यूज कंदासी सबनी का पेरी अचू ता आलू जी रेसिपी ते आलू असा के कपन ट्रे अदद ये मुझे थोड़ा लगन पे टे आलू खड़ी वो या ब आलू खड़ी वो अठ समोसन की मां 6 खां 8 समोसन की क्वांटिटी बुधा तो नंढा आन तो टे खी वो 4 वा आन तो ब खी वो कटिंग करें बॉयल कजो छिलको हटाए आई अच्छा बाज आलू जो समोसा मां खादा उनमें छिलके से गड भी आलू हूँ वो भी मज़ेदार लगता है मर्जी है तीन इनमें बसर वो सावा धाणा वा सावा मिर्च वा बाकी जो इनमें शूं हों सब तक बुधाएं तो स्टार्ट क्यों ताकि आलू की रेसिपी असानी पैर स्टार्ट थी ठीक है अच्छा इतना पैर एक बॉल खड़ू था आलू के समोसों के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए डिटेल में बताऊंगा आलू हमने ले लें मैंने एक पाव मैदे की डो बनाई हुई तो इसमें से हमारे 6 से 8 समोसे बनेंगे 6 बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है वो 8 भी बन जाएंगे देखते हैं कितने बनते हैं तो इस हिसाब से आलू मेरे पास तो ज़्यादा हैं हम लेंगे यहाँ पे 2 से 3 कप जितना आलू बॉयल हुआ यानी 3 दरमियाने साइज के 2 बड़े आलू क्यूब्स में कटिंग करके छिलका हटा के क्यूब्स में कटिंग करके उसको बॉयल करके पानी इसका ड्राई कर लें अच्छा आलू को आपने पीसना नहीं है ठीक है मैशर से कर लें या कांटे से कर लें इस तरह आपने हल्का हल्का इसको मोटा मोटा रखना है ठीक है पटाटा या तो हथ से भी कर सको था बस मोटा जो पीसिस होजन खपन नंढा नंढा इन तरीके से इनके मैशर से करी वो या हथ से या कांटे से ही नरम करी वो ठीक है चंगा गरियल होजन खपन कच्चा न होजन इस तरह आलू आपने तोड़ देने बॉयल किए हुए और इसमें हम क्या क्या डालेंगे इसमें जो मसाले डालेंगे
वो डाल के फिर इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, ठीक है, ज़ीरे के साथ भगार बना के इसको फ्राई करेंगे। और ये इसको ठंडा करके फिर आलू की डो जो बनाई है वो भी बताता हूँ किस तरह बनाई है, बिल्कुल ईजी बनती है, ठीक है। आलू जी मानी जो ठाई है अट्टो जो गोयल है वो सफ़ा ईजी है, आलू जहाँ समोसा इन तरीके से ठाओ, इन तरीके से ना आलू संगत चिकन भी विझी ठाई सको था, ठीक है, चिकन विझी भी ठाई सको था इन तरीके से आलू जहाँ समोसा, अगर वो पट्टियों तक रोल पट्टियों नथी बन तो चिकन समोसा भी इं ठाई सको था, मिक्स वेजिटेबल समोसा कीमे जहाँ समोसा जी कीमो कीमे जहाँ समोसा ठाईंदी पेरी भी बुधा कीमे जहाँ समोसा भी जो हूँ कीमो ठाओ वो समोसा जला भी कीमो यूज़ कर सको था, ठीक है। ये हो गए मोटे मोटे चंक्स बन गए इसके, ठीक है, ये हो गया। इस तरह होता है आलू के अंदर मसाला, आपको आपने देखा होगा छोटे छोटे क्यूब्स आ रहे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने मसाले डालने हैं, हरा धनिया कितना जाएगा इसमें, 2 टेबल स्पून, खंड जा चमचा सावा धाना, ठीक है, हरी मिर्च जाएगी 1 से 2 अदद, ज़्यादा नहीं, तेज़ वाली नहीं डालें, ये मोटी वाली डालें इतनी तेज़ नहीं होती, ठीक है, हरी मिर्च चली गई। इसके बाद हमने इसमें क्या क्या डालना है, इसमें हमने डालना है मसाले, मसाले वही यूज़ होंगे जो घर में होते हैं, ठीक है, ये है चाट मसाला। अच्छा चाट मसाला अक्सर नहीं भी डला होता लेकिन मैं डाल रहा हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, पटाटा दा मैश कया मोटा मोटा थोड़ा पीसेस हो जाए जी आलू जहाँ हूँ, ठीक है, उनमें सावा धाना भी छड़िया बखंड चमचे ज़्यादा बारीक कटे, चाट मसालो भी छड़ियो अद्ध चाय जो 1 चाय जो चमचो, लूण अद्ध चाय जो चमचे का घट हसबे ज़रूरत, नमक 1/2 टीस्पून से कम, धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून से कम हसबे ज़रूरत, ठीक है, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है, और इसमें जाएगा प्याज 1 अदद छोटी प्याज दरमियाने साइज़ की, इस तरह काट के हम डाल देंगे, ठीक है, ऑमलेट की तरह इसको मिक्स करें। वरी बुधाएँ तो पटाटा खड़न दो 3/4 अदद, बॉयल करे वो खले लाही पीस करे थदो करे उनके नंढा नंढा हथ से भोरे छो पीसिस के छो प्याले में विझिजो, 1 नंढी गंढ ऑमलेट वांगर चॉप करे विझिजो, 10 सावा मिर्च कटिंग करे विझिजो, हुन सा गड सावा धाणा इनमें थोड़ा विझी छो, 2 खंड जा चमचा बारीक कटिंग करे, ठीक है। उनने का पोता इनमें छाछा विझंदो, इनमें विझंदो चाट मसालो 1 चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, हेड विझंदो पीठल 1/2 चाय जे चमचे का घट, ठीक है, पीठल धाणा 1 चाय जो चमचो, लूण 1/2 चाय जो चमचे का घट हसबे जरूर, ये मिक्स कयो। मिक्स करण का पोई छा कंदासी, फ्राइंग पैन या कढ़ाई खणूँ था मुखे नजर आए वो फ्राइंग पैन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पानी इसका ड्राई करके आलू लिए, बॉयल किया आलू को, उसके पीसेस कर दें, उसके बाद ठंडा करके हरा धनिया आपने डाला, हरा धनिया डालने के बाद 2 टेबल स्पून 2 अदद हरी मिर्चें 1 छोटा प्याज दरमियान से इसका ऑमलेट की तरह कटिंग करके डाला, उसके बाद हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 टीस्पून से कम डाल के इसको मिक्स किया। अब यहाँ पर लेंगे डालडा कनोला कुकिंग ऑयल, ठीक है, हेमा कहते हुए जहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून, तमाम बेहतरीन कुकिंग ऑयल है, हर जगह अवेलेबल है, इनमें ठाओ इनकी खुशबू जायको तमाम बेहतरीन थी, बस 3 खंड जा चमचा अस इनमें डालडा कनोला कुकिंग ऑयल खाओ, ठीक है, ये गरम कंदी लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, तमाम सुठो है, जो बनस्पति घी भी तमाम बेहतरीन है, इनके हाँ गरम करे ऑयल के इनमें विझंदी अच्छो जीरो 1 चाय जो चमचो, 1 चाय जो चमचो भरे विझंदी अच्छो जीरो, ठीक है। डालडा कुकिंग ऑयल 3 टेबल स्पून, 1 चाय का चम्मच इसमें क्या जाएगा, 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा जीरा, ठीक है, जैसे जीरे का भगार बनेगा खुशबू आएगी, ये मिक्सचर इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करके हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं, हल्का सा 1 मिनट 2 मिनट भून के इसको उतार के अपने प्लेट में ठंडा करना है, ठीक है, ठंडा होगा तो फिर हम इसको आलू में भरेंगे, ठीक है। बस ये जीरे जो दाग ठांदो खुशबू अच्छे वो इनमें छा कंदी, जो मिक्सचर मुँह ठाया है ये इनके अंदर वेंदो, ठीक है। इन जो अट्टो तक ठाने सिखारा था मैं ठाराए रखल है पहले का वो बुधा छा बिल्कुल ईजी है कि बस इसमें जैसे जीरे का आप देखेंगे भगार सा बनने लगा, खुशबू आ रही है, ये सारा मिक्सचर इसके अंदर चला गया, ठीक है, ये मिक्सचर इसके अंदर चला गया। अब क्या करेंगे, इसको मिक्स करें 1 मिनट तक, बस इसको हल्का सा भूनें ताकि इसके अंदर जायका आ जाए जीरे के भगार का, क्योंकि आलू हमारे बॉयल हैं कच्चे नहीं हैं,
चुल्हो बंद कर छो बस ये एक मिनट तक इनके घुमाइंदा रहो इनमें जायको अच्छी ने इनके प्लेट में लाई छा ठीक है खुशबू आ गई इसके अंदर बहुत अच्छी सी अब इसको प्लेट पे उतार दें ठंडा करें एक घंटा आधा घंटा ऐसे छोड़ दें उसके बाद आलू के समोसे ना गरम गरम ना भरिएगा दो फिर आपके टूटना शुरू हो जाएगी वो फिर आलू के समोसे फटना शुरू हो जाते हैं ठीक है ये हो गए बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है अब हम क्या करेंगे अब हम आलू की डो आपको बताते हैं कैसे बनेगी ठीक है बताएं तो आलू जो जेको अट्टो की है ठांदो सही है अट्टो हिन जो छा खण दो हिन में मैदो है ठीक है इसमें मैदा है एक पाव ही दिसो इलाही सुठो गोयल है एक पाव मैदो अजवाइन खण दो हिन में केतरी अध चाय जो चमचो अजवाइन एक पाव मैदो थोड़ो सो लून अध चाय जो चमचे का घट ठीक है टे खाने जो चमचा डालडा बनस्पति घी ठीक है यो विजी अट्टे के हथ से चंगी तरह भुरभुरो करणो है ठीक है हथ से चंगी तरह माट जो अट्टे के भुरभुरो थी वेंदो पो थोड़ो थोड़ो पानी विझी अट्टो गोए जो चंगी तरह के गोइण का पो कवर करे आलो कपड़ो मथा विझी इनके रखी छजो अध कलाक उनका पो हिजी मानी के ठंडी उतां के बताए तो ठीक है इसका डो कैसे बना है आलू के समोसों का इसके लिए हमने मैदा लेना है एक पाव उसमें अजवाइन डालें आपने अजवाइन डालनी हाफ टी स्पून नमक हाफ टी स्पून से कम हसबे ज़रूरत और तीन खाने के चम्मच भर के डालडा बनस्पति घी डाला ठीक है फिर इसको हाथ से मसलें भुरभुरापन आएगा आटे में भुरभुरापन जब आ जाएगा अच्छी तरह मसलते रहें बगैर पानी के उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाना है और गूंथते जाएँ अच्छी तरह जब सख्त आटा गूंथ के फिर इसको मलमल का कपड़ा उससे कवर करके रख दें ठीक है इसको आधा घंटा आपने रख देना उसके बाद फिर हम इसकी डो को रोटी बेलेंगे और इसको फिर बनाते हैं ठीक है मैं चॉपिंग बोर्ड हटाई छा आई को हांजी मानी की ठांदी ठीक है बिल्कुल इजी है इस तरह ही आपने ये बनानी है रोटी थोड़ा काउंटर क्लियर करते हैं इसका आटा निकाल के अच्छा इसमें खुश्क मैदे का भी इस्तेमाल होगा थोड़ा ठीक है ये उठा लें इस तरह हल्का सा मैदा लगा के थोड़ा मैदो लगाइंदासीं हल्को सो ठीक है इसको एक दफ़ा फिर आपने इस तरह गूंद लेना है ठीक है इस तरह करके ताकि ये आधा घंटा हमने रखा हुआ है सेट हो गया अब क्या करेंगे इसको जैसे रोल बनाते हैं उस तरह रोटी के लिए आपने रोलर बना लेना है ठीक है अच्छा एक रोटी से दो समोसे बनते हैं इसको कटिंग होके तो ये हम कोशिश करते हैं छः से आठ निकलें एक जैसा इक्वल लें इसको साइज़ में ठीक है फिर इसके पीसेस बनाते हैं छः ही बने ठीक है छः से समझे बारह समोसे बन जाएंगे बल्कि थोड़े बड़ा लेते हैं मुझे लग रहा है समोसे छोटे हो जाएंगे इसमें से एक को डबल कर देते हैं ठीक है पांच बना लें या चार बना लें बस ताकि रोटी थोड़ी मोटी होनी चाहिए इस तरह पेड़े को गोल करना है ठीक है इन तरीके से सेट करना ताकि इनकी मानी सुठी रहे एक थी भाई अच्छी तरह रोल करें हाथ को जैसे पेड़े को हम रोल करते हैं ठीक है ये दो इसके बाद इसके भी हाफ करके हाफ हाफ ले लेते हैं ये आपने थर्ड वाले बनाया अब ये जो चार बने हैं तो इसमें से आठ समोसे बनेंगे ठीक है ये चार बने हैं इसमें से आठ समोसे बनेंगे हाथ पे चिपके ना आटा इतना अच्छा गूंदा होना चाहिए कि आपके हाथ पे चिपके ना अच्छी तरह ये आपने रोल किया ठीक है अब थोड़ा यहाँ पे मैदा लगाएंगे मैदा लगा के बेलन लेते हैं हाँ एकड़ी मानी खड़ो थोड़ो खुशको लगाए उनके हटो हल्को सो डस्ट किया अब इसको लंबाई में अपने रोटी बेलनी है ठीक है इस तरह पलटें अजवाइन से ही इसमें जायका आता है ठीक है थोड़ा चौड़ा करें बहुत ज़्यादा नहीं और लंबाई में इसको रखें जी थोड़ा खोलें इस तरह ठीक है फिर पलटें इसको ठीक है ये देखें
थोड़ा सा खोलें, ज़्यादा नहीं चौड़ा करना है, बस इतना 3-4 इंच इतना चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। और लंबाई में इसको थोड़ा ज़्यादा रखें ताकि दो सम इस तरह वी शेप में, थोड़ा ओवल शेप में ही आएगा, ठीक है। अच्छा जैसे मैं इनके वेले छड़ी हुआ वेले मैं इनके कटिंग किया तो समोसा ठाहिण शुरू किया तो एक बार समोसा तांजी सामू टाइम से काटे ना जो कि शॉर्ट ब्रेक तो ब्रेकअप हो जी रेसिपी कंटिन्यू करना से। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक तवण का पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेको समोसा ठाहियां पियो, ठीकु आहे। हिन तरीक़े सां तव्हांखे समोसा ठाहिणा आहिनि ऐं हिकिड़ो मां ठाही छॾियो आहे ऐं बाक़ी ऑयल गरम थिए पियो, डालडा कनोला कुकिंग ऑयल, हिन में असां समोसा फ्राई कंदासीं। बहितरीन कुकिंग ऑयल आहे ऐं जॾहिं हिन में शयूं फ्राई थींदियूं आहिनि त हुनजो अलॻि ई ज़ाइको सुठो ईंदो आहे। थोरो हिन मां असां मसालो मां सॉरी अटो विझी ॾिसां थो के केतिरो गरम थियो, ठीकु आहे। आटे का थोरा सा पीस डालें, ये देखें समोसे का शेप, बहुत बड़े नहीं बना रहा हूँ, नॉर्मल साइज़ के, क्योंकि खाए नहीं चाहते फिर इस तरह इतने बड़े बड़े समोसे होते हैं इफ्तारी में, छोटे साइज़ को ना, आप बड़े बनाने चाहें तो बड़ी रोटी बनाएं, ठीक है। हे रेखार जो ये समोसो एक मां ठाया हुआ है, इस तरह आपने समोसे बनाने और पानी लगा के बंद करना है, ठीक है। और ये जैसे ऑयल गर्म होगा तो इसको गर्म ऑयल में डालें, ठंडे ऑयल में डालेंगे तो क्या होता है रोटी हमारी टूट जाती है, ठीक है, इसकी डो जो होती है वो टूट जाती है। तो गर्म ऑयल में इसको डालें, एक रोटी का इसका पीस डाल के देखें, जब आप खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये गर्म हो गया ऑयल, तो फिर इसको डालें इसके अंदर, ठीक है। और ये पानी से बंद होगा, अंडे से किसी चीज़ से बंद नहीं होगा। हल्का सा नीचे शेप दे दें जैसे समोसे का होता है, इस तरह शेप देने के बाद बंद करें अच्छी तरह, इसको हम ऑयल में डाल देते हैं गरम, ठीक है। दूसरा पीस है, बियो पीस आए, ठीक है, ये आप देखें, इसको हमने क्या करना है पानी लगाना है, इस तरह पानी लगाएं, ठीक है। पानी लगाया दोनों तीनों साइड पर, इस तरह पानी लगाने के बाद इसका यूँ किनारा उठाया, ठीक है, फिर इधर पानी लगाएं, इन तरीके से पानी हणो, बो किनारो इन मथा रखी छोड़ो, ठीक है। किनारे से किनारो चिपकाए और इनके पानी से बंद करो, पानी से बंद करने का पोए इनके ये फोल्ड कर छोड़ो, फोल्ड करने का पोजो हे दिसो पैकेट ठयो, ठीक है। पैकेट बन गया, पैकेट के अंदर हमने क्या करना है हाथ से भर दें, चम्मच से इसलिए कह रहा हूँ कि चम्मच टच होता है तो वो कट भी लग सकता है, ठीक है। हाथ से इसको भरें समोसों को अच्छी तरह, इतना भरें छोटे हैं 2 टेबल स्पून जितना, भरने के बाद इसका किनारा उठाया, ठीक है। पानी अगर ना लगाओ दोबारा लगा लें, पानी से ही ये पैक होगा, ठीक है। दूसरा किनारा इसके साथ टच किया, ज़्यादा मिक्सचर बाहर आ रहा है तो हटा दें, फिर ये इसका किनारे यहाँ पे मिला दें, ठीक है। इस तरह किनारा मिलाया, सॉरी पानी मैंने नहीं लगाया, पानी लगा के किनारा इसका मिला लिया, पानी से फ़ौरन बंद हो जाता है, ठीक है। पानी लगाना भूल गया मैं, पानी लगाना है आपने, पानी लगा के इसको अच्छी तरह बंद कर दें, बंद करने पर इस तरह रखें और इसको किनारे पानी नहीं लगेगा तो कभी चिपकेगा नहीं, इसको आपने सेट कर देना, ठीक है। पूरा ये समोसा बन गया, ऊपर से सेट करें, इसका शेप दें, इसको ऐसे करें, ये हो गया, ठीक है। चंगी तरह जितना बंद ना थी तो पानी हणी छो, मैं गलती का पानी कौन हयो तो इन करे बंद ना पियो थे पहले का मसालो लग गया जी। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, छा हाल अदा, खुश हयो? बिल्कुल ठीक ठाक, ता बतायो अदी नगमा गलायो पिया? जी जी अदा। छा हाल है, रोजा किए पे गुजरन था जा? अल्लाह जो शुक्र है, ता कुछ ठीक, बार बच्चा ठीक था? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ता जा रोजा लन प्यारे से पुजवन पयो? बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह जो शुक्र है। हां दा यार सवाल जाब है कोना रखो तो अच्छा सिस्टम छा जो दी सवाल जाब है कोना छे तो सिस्टम कट कर मैं समझे ना छपे छो दमादम जो जो सवाल जा रखना हो ओ यार कोन रखिया तो ना ना इन साल मुझे शो में ना है। अच्छा यार कोने को बस ना ना दी मुझे शो में ना है। अच्छा दमादम सिंध में दादा गिफ्ट पे आवे रहा है जने। अच्छा तहां भी अदा सा चार पे सांगे इजाजत ना है ना? हां ही गाल होंदी ना इजाजत चलो। हां मुचो खालिद बागे चाहो सांगे भला गिफ्ट तो को माने बिना घर बैठे अकी त न था सगाओ। अदी ता के अगर गिफ्ट मोकले त बियो अदी ता चडन दी कोन खालिद सके न को ता ता चो न को गिफ्ट था माणियो मोजा ता खालिद भासा कंट्रोल रूम में गलायो या गाल होने के चाहो ये रे भा खालिद कोनो बियो
अना एड़ी का स्कीम ना है ना चैनल जी तरफा हुंदी त ताके जरूर बुधाइंदा सी हां ता मैसेज दी जो बा खाल तक है हेलो ठीक है दी ठीक है हां ये सब खैर आ अल्लाह जो शुक्र फोन कन छाइत्र बिजी है ना हां फोन आजकल बिजी बने पे लाइंस जे करे ना रमजान जे करे हां अदा सबन के सलाम कह जो अपने घर भी वालेकुम अस्सलाम वाले आई जे के कलर अथव सबन के सलाम दी जो वालेकुम अस्सलाम दी थैंक यू जो ख्याल रखो ओके जी अल्लाह हाफिज अच्छा इसको मैंने आटे से बंद किया ठीक है वो पानी से बंद किया इसके बाद आपने इसमें मसाला भरना है मसाला इतना भरें कि ये अच्छा सा सेट हो जाए उसके बाद पहला समोसा सेकंड मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने पानी नहीं लगा जब पानी नहीं लगेगा आप उसको मसाले से ऐसे बंद करेंगे फिर कभी भी नहीं चिपकेगा ठीक है पानी किनारे पे इसके प्याली की तरह जो किनारा है इस पर पानी लगाएं और उस किनारे को इससे मिला दें फर्स्ट वाला बना था फिर सेकेंड नहीं बना क्योंकि मैंने उसका ये इसको पलट देता हूँ ठीक है उस पर मैंने पानी लगाना भूल गया तो बंद नहीं हुआ यूँ पानी लगा के इसको फ़ौरन बंद करें अच्छी तरह सेट करें ठीक है ये देखें इसका ऐसे दबा दें ताकि अच्छा सा ये बंद हो जाए ठीक है थी इनके भी विझूँ था थोड़ा जो शेप दई छो हमें फोल्ड करें ऑयल में विझी गरम ऑयल में ठीक है इस तरह समोसे बनाते जाएं रखते जाएं अच्छा रखना चाहें तो बना के प्लेटर में रख दें ये फ्रीज़ नहीं होते ठीक है ये वाले समोसे आपके फ्रीज़ नहीं होंगे ये वो वाले समोसे नहीं है ये आलू के समोसे इसको फ्रीज़ नहीं करते इसको आप वैसे ही डायरेक्ट बनाएं ठीक है अब एक प्लेट में हम टिश्यू पेपर लेते हैं और ये समोसे निकालते जाते हैं छन्नी में चाहें तो छन्नी में भी निकाल सकते हैं कॉल बट हूँ तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम चला था ठीक आयो बिल्कुल ठीक ठाक अदी कह रहे हैं कितना गलाया पाया जी छा हाल है तुझा ठीक आयो रोला किया डालें अल्हम्दुलिल्लाह सुठा हलन पिया साथ है ठीक आयो जी लाइट इन टाइम को ना मुझे अरे मुझे भी लाइट ना मुझे आलू जा समोसा दी ठाए पियो अच्छा आलू जा समोसा आई उन से गट मसालेदार छोला इन अच्छा ठीक है रोला रमजान सुठो गुजरे पियो बिल्कुल अल्लाह जो शुक्र है सुठो गुजरे पियो सही है ओके अल्लाह हेलो ठीक है पंजो ख्याल रखो अल्लाह हाफिज इस तरह आपने ये देखें एक समोसा मैंने छोटे साइज़ के बनाए अच्छा समोसे आपने इस तरह छोटे साइज़ के बनाने बड़े ना बनाएं बड़े बनाने चाहें तो बना लें ठीक है मैं दरमियाने ही सही रहते हैं इस साइज़ के ऑयल में इसको चलाते रहें मीडियम आंच पे बहुत तेज़ ना हो क्योंकि अंदर से हर चीज़ मिक्सचर हमारा पका हुआ है बस ऊपर से हमने इसको फ्राई करना है गोल्डन कलर आता जाए इसका पलट एक एक करें कंट्रोल नहीं होगा आप लोग से चार चार पाँच पाँच समोसे डालेंगे कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि इसकी डो का ख्याल रखना होता है ये जले ना ये हो गया दो क्रिस्पी बनेंगे अच्छे बनेंगे ठीक है आटे को आपने आधा घंटा देना है और गीला कपड़ा लगा के कवर करके आपने रखना है ठीक है ये दो समोसे हमारे हो गए ठीक है हाँ अचूता थर्ड थे अगेन मानी खाई ठीक है इन जो ही कटिंग वालों किनारो है इन्हें पानी हणजो ठीक है कटिंग वाले जो हिस्सा है आँच कम कर दूँ कटिंग वाले हिस्से पर आपने पानी लगाना है फिर इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख के अंदर फिंगर्स रखिएगा ताकि ये टूटे ना इसको मुँह बंद कर दें ये देखें इस तरह आपने पॉकेट बना दिया लिफाफे की तरह ठीक है लिफाफो ठही वो इनके खड़ी हथ के मथा ये रखो प्यालो ठही वो कोन वांगर इनके अंदर मसालो भरे छोड़ो ठीक है मसाला भर दें जो मोटे आलू के पीस हैं वो हाथ से थोड़े तोड़ के डालिएगा ठीक है इसके बाद क्या करना है इसके बाद पानी लिया इसके किनारे पे हाँ किनारो जो है प्याली वांगर इनके चारों तरफ पानी हणी छोड़ो ठीक है पानी हणन का पो ये किनारो इन से मिलाई छोड़ो किनारो मिलाइण का पो इनके बंद कर आराम आराम से ठीक है जोर से ना कजो टुटी भी सकन था छोके समोसे ठाण वाला तो वो एक्सपर्ट हों न तहाँ बिल्कुल आराम से ठाजो है थी समोसो आलू जो तैयार ठीक है तेज़ बाहे हुए चूल्हो बिल्कुल थोड़ा घट क्या तो चूल्हो तेज गरम थी वो चंगो धूं निकले पो ये थोड़ा हल्को थे तो इन समोसे के भिजा दो ठीक है उठा के इसको अच्छी तरह सेट करके और इसको ऑयल में डालते जाए और डो बहुत पतली ना हो के टूटे ठीक है अच्छी डो होनी चाहिए टूटे ना इसको भी डाल दिया थोड़ा काउंटर क्लियर करते हैं इसके साथ चटनी बना लें रायते वाली चटनी बना लें जो आपको अच्छी लगे चिली गार्लिक सॉस केचप के साथ पलटाई छो ऑयल थोड़ा गर्म थी वो इन करें फौरन फौरन इनके पलटाइंदा बन जो ठीक है मां जी पलटाएँ ऑयल मीडियम रख जो तीन समोसे हो गया मैं फ्राई अब मैं बिल्कुल हल्की आंच करूं ताकि ऑयल टेम्परेचर पे आ जाए थोड़ा गर्म हो गया था
थी वे टे आलू जा समोसा अच्छा काउंटर ते मसालो लगे तो हमेशा क्लियर कंदा क्यों छकन मसालो अगर अट्टे के लगियो तो गुण में दुखियाई थिंदी है फिर पेड़ा लिया ठीक है इन जी डो जी रेसिपी बताए तो एक पा मैदो हो हुन में अजवाइन हां 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 हिन में मैदो खयो एक पा ठीक है आई हुन में अजवाइन विझंदो अध चाय जो चमचो लूण अध चाय जो चमचे का घटा जबे जो ट्रे खाने जो चमचा डालडा वनस्पति घी विदो उनके अट्टे के पहली चंगी तरह ट्रेनिंग छैन सगत हाथ से भोरे छ जो मसले छ जो मसलन का पोए अच्छा इनके अगर चिपके पे तो मैदो लगाई जो ठीक है मसले छ जो होने का पोए ता इनके पानी विजी पांजे हिसाब सा सख्त अट्टो गणो है ठीक है थोड़ो थोड़ो पानी विजी सख्त अट्टो गणो उनका पो हन तरीके से माली वेलणी गोल ना करनी थोड़ी चौड़ी हुजे पलटे इनके डिगो करी छड़ो ठीक है रोटी इस तरह बेलनी है चौड़ी भी हो और लंबाई में ओवल शेप में आ जाए इससे समोसे फिर सही बनते हैं हो गया ठीक है अब इसको सेंटर से कट लगाएं आई अट्टे के अध कलाक रख जो कवर करें ठीक है अब इसको आपने क्या करना है दोबारा बता रहा हूँ दो जो मैंने बनाई है एक पाव मैदा लिया उसमें अजवाइन डाल दें हाफ टी स्पून नमक हाफ टी स्पून से कम और तीन खाने के चम्मच डालडा वनस्पति घी डाला अच्छी तरह तीनों चारों चीज़ों को हाथ से मसलते रहें भुरभुरापन आ जाएगा उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त आटा गूंदें कपड़ा गीला करके या सादे कपड़े से कवर करके रख दें आधे घंटे बाद इस तरह अपने रोटियां बेलनी है कट लगाने के बाद जो कट वाला हिस्सा उस पर आप पानी लगाएं कट वाले हिस्से पे पानी लगाएं अंदर फिर ये पीछे वाले हिस्से पे भी पानी आधे पे लगाएं ठीक है इसका हिस्सा इसके ऊपर रखें इस तरह और ये नोक इसकी दबा दें ठीक है नोक बन गई इस तरह कोन बन गई इसको उठाया हाथ पे पलट के रखा ये आपका प्याला सा बन गया कोन टाइप का इसके अंदर दो टेबलस्पून जितने छोटे समोसे हैं तो कम डाल रहा हूँ ठीक है दो टेबलस्पून जितना मिक्सचर भरा मिक्सचर भरने के बाद इसके जो किनारे हैं ठीक है मिक्सचर भरे छोड़ो इनके किनारन पे पानी लगाए जो अंडो ना लगाए जो अंडे से कौन थे पानी से ही बन थे वो है किनारा मिलाई छो पान में ठीक है किनारे मिला दिए अच्छी तरह इसको बंद करने के बाद इस तरह रखें और हाथ से टिप्स ऐसे बना दें ठीक है समोसा देखिए बन गया बन जाए इसको गरम ऑयल में डाल दें बहुत ज़्यादा गरम ना ऑयल ठीक है मीडियम फ्लेम पे फिर इसको भी ऐसे ही पानी लगाया पलटें आधे पे फिर पलट के आधे पे पानी लगाएं समोसे को देखते रहना है फौरन फौरन ही ब्राउन होना शुरू हो जाता है ठीक है अधे ते पानी लगाई जो पुठियाँ जी साइड का आहिन के रखें जो मथा फोल्ड कजो ताकि चिंबड़ी बनन पान में ये नोक बंद कई है किनारा इंजा बंद कया और इनके खड़ी वट जो हथ में अगेन उन्हीं तरीके से ठीक है गड गड समोसा ऐसा जो ब मानू जो कम है एकड़ो मानू ठाई तो बने एकड़ो फ्राई कर दो ये हो गया फ्राई फौरन फौरन फ्राई हो रहे हैं ठीक है ये हो गया अगेन इनमें उनका पो फ्राइड छोला ठाई था डाडा मज़ेदार है कोई रेसिपीज आइन अज जो ईजी आन पान ठाओ सुभाने की रेसिपी दिसो भी डाडी मजे जी ठंडी ठीक है पानी लगाया इस तरह अगेन इसको रखा बंद करें ठीक है चिकन के भी बना सकते हैं सेम मेथड से आपको अगर मांदा पट्टी जो मसलो है नथा ठाई सको इन तरीके से चिकन जब भी समोसा ठाई सको तो ठीक है इन्हीं तरीके से था कि मैं जब समोसा भरे सको तो इन शेप में हो गया कितने हो गए 4 5 6 7 बनेंगे 8 बनते लेकिन एक मुझसे गलती से क्या हुआ मैंने पानी नहीं लगाया तो पानी जब नहीं लगाएंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वो चिपकता नहीं और टूटना शुरू हो जाता समोसा ठीक है इसको घुमाते रहें ताकि ये अच्छा सा बन जाए समोसा आपका जले ना छोड़ना नहीं है ठीक है घुमाते रहेंगे तो चारों तरफ से एक जैसा होगा ना छोड़ेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक जगह से वो जलने की तरह कलर आता है क्योंकि लगता ही नीचे जाके ठीक है इनसे अगर चटनी कें ठाई दो थोड़ा सावा धाणा फूदनो एक अद साओ मिर्च यो खण जो एक घणी थूम जी खण जो ठीक है जीरो एक चाय जो चमचो खण जो और एक प्याली दही से गर थोड़ो लूण विझी इनके बीट करी छजो फिर ब्लेंडर में हलाई छजो चटनी तैयार थी जो वही चटनी रायते वाली जो समोसा सा मिले थी इसकी चटनी बता देता हूँ क्या है एक कप आपने दही लेना है उसमें आधा गट्ठी से भी कम 3-4 टेबल स्पून पुदीना 3-4 टेबल स्पून हरा धनिया एक अदद हरी मिर्च एक अदद लहसुन का जवा ठीक है और एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दें और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च 2 पिंच डाल दें और नमक हसबे ज़ोर डाल के इसको ब्लेंड करें जूसर मशीन में आपकी चटनी तैयार हो जाएगी जो समोसों के साथ मिलती है वो चटनी या फिर आप अपने मर्ज़ी से जिस चीज़ के साथ खाना चाहें
पलटाए बेल जो ठीक है, फिर बेलते वक्त थोड़ा चौड़ा करें, फिर पलटा के इसको ओवल शेप में इस तरह बना दें। हो गया, कट लगाएं सेंटर में, ये चीज़ें हटा दूँ ताकि हम सेकंड रेसिपी पे आ जाते हैं। अगेन जो कट वाला हिस्सा है दोबारा उस पर पानी लगाना है, ठीक है, गोलाई पे पानी नहीं लगाना है, गोलाई पे पानी ना हणजो, जो कट वालों हिस्सों पानी हणजो, वरी अधे हिस्सों खड़ी जिनको फोल्ड मथा रखना होंगे तो पानी हणी इनके हिं रखी छोड़ो, ठीक है। पहले कट वाला हिस्सा लगाया, उसको फोल्ड किया, पानी लगाया, फिर फोल्डिंग वाले के नीचे वाले हिस्से पे आपने पानी लगाया, इस तरह बंद किया, बंद करने के बाद इसकी नोक भी बंद करनी है ताकि ऑयल अंदर ना जाए फ्राई हो, तो वरना ऑयली समोसा बन जाएगा। अंदर भरा, इस छोटे बनाएं तो आपके 10 बन जाएंगे, ठीक है। पानी लगाया अच्छी तरह किनारों पे, पानी लगाने के बाद इसके किनारे मिला दिए, ठीक है, किनारे मिला के इस तरह रखें, फिर इसको फिंगर से इस तरह सेट कर दें। चंगी तरह प्रेस कर जो खुले ना, ठीक है, गरम ऑयल में हथ बचाई आराम से पीछे लो। एक बड़ी रहजी भैया ये बिठाई था तो पहुँचूँ था छोलन जी चाट तक, ठीक है। ये हुआ, देखिए कितनी अच्छा तरीका है, ये पानी से बंद हो जाते हैं, ऑयल वो अंडा मैदा बैटर वैटर कुछ नहीं लगाना। इसको पलटते हैं, समोसा असंजा तैयार। बारह वो दह का 12-15 रुपये जो इतने तो जोहर में तो 15-15 जो मिलन पा, कुछ इलाक में 10 जन, कुछ इलाक में 18 रुपये जो भी मिले पो, तो इस पान ठाओ तो सब समोसा एडा सस्ता ठही वा घर में। ठीक है, ये हो गया, अच्छा ठीक है, ये हो गया। ब्रेक पे जा रहे हैं, ले लूँ, ठीक है, ब्रेक का टाइम हो रहा है, ठीक है, मैं एक समोसा रह गया वो फ्राई करता हूँ, ठीक है, ब्रेक जो टाइम थे पे ही समोसा में फ्राई किया, तो ब्रेक का पहुंची ताई सामू चणन जी चाट ठाईंदस। खाला जल्दी आ जाए, पीछे से सारी चीज़ें हटाएं, जल्दी जल्दी। सामू जो मैं रेसिपी ठाई समोसन के है डिश आउट करें, ठीक है, समोसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए आपके सामने, इसको वहाँ टेबल पे रखते हैं। अब आते हैं फ्राइड चना चाट पे, फ्राइड चना चाट क्या बनेगी, बहुत ही मज़ेदार। इसके लिए हमें चाहिए 1 पाव चने बॉयल ब्लैक, ठीक है, पानी ड्राई कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गए हमारे समोसे, समोसों को मैं वहाँ रखता हूँ। और इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, अब समोसों के लिए हमें चाट के लिए हमें क्या चाहिए, ब्लेंडर, जूसर मशीन, इसमें एक चटनी बनेगी सबसे पहले, ठीक है। एक पा चणन के लिए असंखे चटनी केतरी ठाणी है, ठीक है, ये चटनी दिखाइएगा, चटनी बनेगी इमली का पल्प 1 प्याली 1/4 कप, ठीक है, एक चौथाई कप यानी अध कप खा मुनो कप चाय भजेंगे, इतरो गिदामड़ी जो पेस्ट हली वो, ठीक है, हिंसा गढ़ अध गठी खुदनो, अध गठी सावा धाणा, एक अदद साओ मिर्च, ठीक है, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, इन सा गड अच्छो जीरो 1 चाय जो चमचो,
चटनी में क्या क्या डाला? आधा गट्ठी पुदीना, आधा गट्ठी हरा धनिया, एक अदद हरी मिर्च, आधा गट्ठी हरा धनिया, आधा गट्ठी पुदीना, एक अदद हरी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा एक चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच और थोड़ा सा नमक। ठीक है, नमक लून विदो ना ना विदो, नमक थोड़ा सा, दो से तीन पिंच। ठीक है, और इसको ब्लेंड कर दें अच्छी तरह। ये बन गई चटनी। दो टेबल स्पून इसमें जाएगा पानी। पानी कहाँ है? हाँ, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम किया आदा, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अनम शाह आलाइन आदा, बिल्कुल ठीक है आदा। टाइम पूरी दिन पे सलाम। वालेकुम अस्सलाम आदा। मसाला सुठी डिश आए पे समोसा कई है कारा चना छपे चो आदा, ता सुठी डिश आए पे समोसा जी। हां जी हां आदा। हेलो, थैंक यू। लाइक की काम करना आयो है, असि इस्तेमाल करना आयो। हेलो, ठीक है, को फरमाइश है ताजी अनम? नादा फरमाइश कोने बस ये आज हां फ्रूट चाट इंशाल्लाह सुभाने परे ठाइंदम। ठीक है जी हां, या तो खान प्रोग्राम से चोन में नहीं कर मोटा दाए प्रोग्राम में शामिल। हेलो, मेहरबानी, तमाम घड़ी मेहरबानी, पे ख्याल रख जो। हाफिज जी। हां अच्छा, यहां पे चटनी बना के रख दी। ठीक है, चटनी ठाई रखी छडिया हेते असा छगणदा सी। डालडा कनोला कुकिंग ऑयल, डालडा कनोला कुकिंग ऑयल कितना जाएगा इसमें? तकरीबन 6 से 8 खाने के चम्मच। ठीक है, इस तरह ये बिल्कुल इसका सही होता है। इसमें से अंदाजे से ऑयल हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं जाता, बिल्कुल आराम से जितना आपको चाहिए होगा उतना मैंने इसमें ले लिया। आधा कप ले लेते, आधे कप से कम, 6 to 8 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, बस काफ़ी है। ठीक है, ऑयल लिया, डालडा कनोला कुकिंग ऑयल। अब इसमें क्या डालूँगा? सफ़ेद ज़ीरा एक चाय का चम्मच, एक चाय जो चमचो अच्छो जीरो। ठीक है, जी अच्छे जीरो जो दाग ठेंदो, कड़ी पत्ता मोठे अवेलेबल ना है, ता कड़ी पत्ता उजन तो वेचो। ठीक है, कड़ी पत्ता इसमें जाता है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, आप कड़ी पत्ता डालिएगा। ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा जैसे भगार हुआ इसमें हमने डाल देनी है चटनी, लेकिन चटनी में थोड़ा पानी मिला के डाल रहा हूँ, थोड़ा सा कि अच्छी तरह निकल आए इसके अंदर से। जैसे ज़ीरे का भगार बना इसमें हमने डाल देनी है चटनी। चटनी डालने के बाद चटनी को हल्का सा पकाएं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो। ठीक है, चटनी से थोड़ी देर पचाएँ जो कच्चापन ख़त्म किए, हल्का सा भूनना चटनी को 2 मिनट से। ठीक है, हाफ गट्ठी हरा धनिया, हाफ गट्ठी पुदीना, 2 अदद या 1 अदद हरी मिर्च, 1 लहसुन का जवा, 1/4 कप, 1/4 कप हमने ले लेना है, तकरीबन 1/4 कप इमली का पल्प, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय के चम्मच से कम, हल्दी जरूर डाल के इसको पीस लेना है, थोड़ा पानी डाल के आपने ब्लेंडर में पीस लेना है। उसके बाद आपने 6 से 8 खाने के चम्मच ऑयल गरम किया, डालडा कनोला कुकिंग ऑयल, उसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाला, उसका भगार आ गया, चटनी डाली, चटनी को 1-2 मिनट पकाने के बाद जो छोले बॉयल हुए हैं, अच्छा ये छोले वाइट भी इसी तरह बनेंगे, ब्लैक भी, मैं ब्लैक में बना रहा हूँ, आप वाइट में बना सकती हैं। छोले डाले, इसको मिक्स करें अच्छी तरह, ठीक है, इसको 2 मिनट भूनना है, बॉयल अच्छे होने चाहिए, गले हुए होने चाहिए छोले। ठीक है, अध गठी सावाधाना, अध गठी पूदनो, 1 कप अदरक, 1 सावा मिर्च खण जो, 1 घणी थूम जी खण जो। ठीक है, ये सब विझ जो जूसर मशीन में, 1/4 कप यानी 1/4 कप, 1/2 कप का थोड़ा मथे बिदाम जो पेस्ट, कुटियल गाढ़ा मिर्च इनमें विंदा 1 चाय जो चमचो, अच्छो ज़ीरो 1 चाय जो चमचो, लूण हसबे जो थोड़ो अध चाय जो चमचो घट विझी। ठीक है, इनके चटनी ठाई वठजो, थोड़ो पानी विझी, वह चटनी साइड में कटी रखजो, वरी 6 खां 8 खाने के चमचा डालडा कनोला कुकिंग ऑयल विधो। ठीक है, उनमें 1 चाय जो चमचो अच्छो ज़ीरो विधो, उनको दाग ठाओ, वो चटनी विझी छो, चटनी विझण का चटनी के 2 मिनट पचाइणो है, उनका चणा विझी इनके अंदर, बॉयल चणा कारा 1 पावा, अगर अच्छा खणो तो अच्छा खणी वठो। ठीक है, इन तरीके से इनके पचाए जो 3-4 मिनट ताकि चणन के अंदर जायको अची वे। ठीक है, 3-4 मिनट इसको ऐसे भूनते रहें ताकि चने के अंदर जायका आ जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें डालना है प्याज, अच्छा 1 अदद प्याज बड़ा और 1 बड़ा या 2 टमाटर, ये दिसी वो अध 1 वो खण जो बसर ऑमलेट वगैरह चॉप थे, 2 दरमियानी साइज टमाटा ऑमलेट वगैरह चॉप थे, इनकी अध क्वान्टिटी विझंदी, 1/2 क्वान्टिटी मैंने इसके अंदर डाल दी टमाटर प्याज की, और 1 अदद टमाटर ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ डाल दिया, 2 खाने के चम्मच पुदीना डाल दें, 2 खाने के चम्मच हरा धनिया डाल दें। ठीक है, ये डाला, ये डालने के बाद इसको मिक्स करें और दम पे रख दें। ठीक है,
मिक्स कयो 5 मिनट हिते इनके हल्की बाहे ते पचन दीजो उनका पन में चाट मसालो विझो ठीक है 4-5 मिनट इसको मिक्स करके दम पे रखें ताकि छोले हमारे इसके अंदर अच्छी तरह फ्लेवर छोलों में आ जाए प्याज और टमाटर नरम हो जाए ठीक है और इसके बाद क्या करेंगे नमक थोड़ा मैं और डालूंगा क्योंकि नमक मैंने चटनी में डाला था आप चख नहीं सकते रोज़ा है तो इस वजह से अंदाजे से नमक 1/2 टीस्पून टोटल होना चाहिए ठीक है थोड़ा मैंने और डाल दिया नमक ये हो गया अब इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही क्योंकि ये चटनी में बन रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है ठीक है और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरी भाभी की मायरा भाभी आपकी रेसिपी मैं शेयर कर रहा हूँ अगर देख रही होंगी तो बहुत अच्छी है मैंने उन्हीं से सीखी ये रेसिपी और तो मैं इसलिए क्योंकि जिनसे सीखता है इंसान या जिनकी रेसिपी होती है ज़रूर बताना चाहिए ये उनकी रेसिपी तो मैंने ये शेयर की मायरा भाभी आपकी रेसिपी ठीक है और हमेशा वो बनाती हैं तो ज़रूर खाते हैं हम लोग भी बहुत मज़े के होते हैं इस तरह आपने मिक्स करके अगेन इसको कवर कर दें चाट मसाला रह गया इसमें जाएगा ठीक है बाकी चीज़ें सब हटा देते हैं फिर इसको डिश आउट करते वक्त ऊपर से मसाला लगेगा एकड़ो सुठो बॉल कटी बैठो जैमें तक डिश आउट करना है थदा करे मो टाइम एडो ना है तो मैं थदो इनके नथो क्या बस नॉर्मल थदो करे पो इनके विझी छजो मथा बाकी गार्निशिंग थिंदी ठीक है छोले डाले छोले चटनी डाली पहले जीरे का भगार बनाया 6-8 खाने के चम्मच ऑयल डाला फिर जीरे का भगार बना फिर इसमें चटनी डाली चटनी को 2 मिनट भूना फिर छोले डाले 2 मिनट छोलों को भूना फिर एक प्याज का आधा हिस्सा डाल दिया एक टमाटर चॉप करके डाल दें थोड़ा हरा धनिया थोड़ा पुदीना इसमें डाल के मिक्स किया और इसको कवर करके 5 मिनट पकने दें अच्छी तरह पानी जो चटनी का है छोलों का प्याज टमाटर का पानी वो सब इसमें पक जाएगा 5 मिनट के बाद इसका चूल्हा बंद करके इसमें चाट मसाला जाएगा 1-1.5 चाय का चम्मच मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा प्याज टमाटर हरा धनिया पुदीना हरी मिर्च से इसको गार्निश करके इसको डिश आउट कर दें बहुत मज़ेदार ये छोलों की चाट बनेगी ठीक है चटनी जगह ठाई वरी बुधाई तो चना चटनी ठाई साइड में रखी छोड़ो जीरे जो दाग दिनों चटनी विधि चटनी के 2 मिनट पचायो वरी इनमें छोला विधा 2 मिनट पचाण वहाँ उनका पोइ जो मतलब बसर थोड़ो अध बसर कटियल ऑमलेट वगैरह अध बचाए छो अध एक टमाटो विधो थोड़ा सावा धाणा थोड़ा पुदनो विझी मिक्स कर 5 मिनट इनके दम से पचन दियो चंगी तरह ही पची वने इनजो अरोमा अची वे अली भाई टाइम भी बताइएगा कितना है 5 मिनट इनके पचन दीजो हल्की बाहे ते चंगी तरह पची वेंदा इनके अंदर जायको अची वो उन कंदी इनमें टमाटा ये सब मथा का विझी इनके सर्व कंदी चाहो तो लेमन जूस विझो अदरवाइज ज़रूरत ना है ठीक है ठीक है ये हमारा हो गया देखें इसका पानी चटनी का ड्राई होना चाहिए ठीक है 5 मिनट हमने इसको दम पे रखा चूल्हा आप तेज़ कर दें थोड़ा इसको भूनें 5 मिनट इनके दम पे रखे उनका चाहते हो चटनी जो जो पानी हो सफाई के अंदर मिक्स थी वो खुश्क थी वो चणन के अंदर लियो तुम इतने अची गल समोसा हलो अचो खाला भी बहुत कचेरियाँ करती हैं बैठ के यहाँ पे लड़ सबके साथ अच्छा ये हमने अच्छी तरह भून लिया ठीक है ये इसको हमने डिश में निकाल देना ठीक है देखते हो डिश में निकालने के बाद क्या करेंगे अब इसके ऊपर हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है इसके ऊपर डालना है चाट मसाला 1 चाय का चम्मच फिर मिक्स कर लीजिए आप मिक्स कर लीजिए मैंने ऊपर से डाल दिया ठीक है 1 चाय का चम्मच चाट मसाला प्याज इसके ऊपर जाएगी इस तरह साइड में डाल दे जैसे आपको अच्छी लगे ठीक है ऑमलेट की आधी प्याज हमने भगार में डाली थी वो भूनने में डाली थी दम पे आधी प्याज आपने इस तरह डाली ठीक है अध बसर से पहली मथा विधी अध बसर ये विझी छो टमाटा विझी छो इन सागर टमाटर डालने के बाद हमने क्या करना है डालना है हरा धनिया ठीक है पुदीना चॉप किया हुआ थोड़ा बचा के रखा था हरी मिर्च 1 अदद या आधी जितनी आपको अच्छी लगे ठीक है ये हो गया हमारा चनों की चाट तैयार इसके बाद हम आते हैं ड्रिंक पे रू अफज़ा मशरूब मशरक बेहतरीन ड्रिंक ठीक है थे रखी था चनों चणन जी चाट ठीक है आलू के समोसे बन गए चने की चाट हो गई इसके साथ हम बनाएंगे मशरूब मशरक शरबत रू अफज़ा जो डेली हमारे दस्तखान की जान होती है और वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ रमज़ान में ही ये यूज़ करें रमज़ान के अलावा भी आप इसको पिएं बहुत ही ज़बरदस्त होता है ठंडा यख पानी ले लें चीनी अगर मिलाना चाहें तो मिला लें अदरवाइज़ मैं नहीं मिला रहा हूँ ठीक है एक गिलास ठीक है इसमें हमने क्या डालना है रू अफज़ा पैकिंग में दस्तियाब है
ठीक है ये थी वो रूह अफ़ज़ा बेहतरीन इन जी खुशबू एडी ज़बरदस्त होंगी आ खीर में भी विजी बारन के दिन का डाटो ज़बरदस्त होंगे 6 टेबलस्पून डालूँ एक गिलास के हिसाब से 3 खाने के चम्मच काफ़ी हैं ठीक है और तुख मलंगा भिगो के रखें तकरीबन आपने कितनी देर भिगो के रखना है तुख मलंगा 3 से 4 मिनट पानी में ये देखें मैंने यहाँ पे भिगो के रखा हुआ था तुख मलंगा ज़रूर डाला करें इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ठीक है आधा चाय का चम्मच तुख मलंगा डाल के इसके अंदर मिक्स करें ठीक है तुख मलंगो मैं अंदर मिक्स करो चंगी तरह तुख मलंगो लियो हाँ छा कंदी यो मैं रखा तो ठीक है ये हमारा योगी ड्रिंक आज की ज़बरदस्त रेसिपी आलू के समोसे और उसके साथ मैंने चाट बनाई फ्राइड चना चाट ठीक है ठीक है ये रेसिपी आप लोग कल 12 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी पेज पे ही वीडियोस भी मैं शेयर कर देता हूँ सिंध टीवी एचडी कुकिंग शो यूट्यूब पे सर्च करें मेरी सारी वीडियोस वहाँ पे अपलोड हो जाती हैं और ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा बताइएगा आलू के समोसे खासकर आपको कैसे लगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा कल की रेसिपी देखिएगा बहुत मज़ेदार होगी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह सुबह जो 12 बजे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ ऐसा मुझे पेज है उतर रेसिपी अपलोड थी का भी शे समझण थी चे पेज तो मुझे पूछी सको था आई सुभाने दिस जो नई रेसिपी होंगी पाँच कोर्स सारो ख्याल रखो इंशाल्लाह सुभाने वरी मुलाकात थी दुआ में याद रखो तेसि ताईं अल्लाह हाफिज़